जब आप कोई ट्रैक करके आते हैं ना तो आप चाहते हैं कि लोग आपसे पूछें, लेकिन यहाँ कोई पूछ ही नहीं। अभी देखना कि पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, कितने किलोमीटर। मेरे अंदर इतनी उत्सुकता है बताने की मैं ये ट्रैक करके आ गया, लेकिन कोई भी पूछ नहीं रहा है। अभी देखते हैं ये पूछेंगे नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो देखिए फिर से घगरिया में स्टार्ट हो गई है बारिश, फिर से बारिश का सीज़न स्टार्ट हो गया। आज फॉरकास्ट के हिसाब से 1 बजे बारिश बोली थी, लेकिन बारिश हुई 2 बजे। चलो हमारे लिए अच्छा रहा। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो फिलहाल आज का जो हमारा रूट है, हम लोग को घगरिया से जाना है वापस, बिल्कुल एकदम जोशीमठ तक हमको पहुंचना है। अभी हमको 12 किलोमीटर ट्रैक करना है, उसके बाद गोविंद घाट जाके अपनी गाड़ी उठानी है और गाड़ी उठा के से निकलना है जोशीमठ। और वेदर कंडीशन कुछ ऐसी है कि समझ में नहीं आ रहा कि पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। ऊपर से क्या है कि लैंडस्लाइड हो रही है बद्रीनाथ हाईवे पे, तो वो लैंडस्लाइड खुली कि नहीं खुली अभी ये भी पता करना पड़ेगा। तो दिखाता हूँ आपको रास्ता गोविंद घगरिया से गोविंद घाट होते हुए जोशीमठ का। ये गोविंद घाट की डिस्टेंस ये 14 किलोमीटर, और यहाँ पर बहुत सारे होटल्स हैं। इधर देखिए GMN का गेस्ट हाउस भी है, और बहुत सारे होटल हैं, बहुत सारे कैंप साइड है। कैंप साइड में भी आपको दिखाता हूँ नीचे जाके, और जहाँ पर हेलीपैड है वो भी आपको दिखाता हूँ। एक डिस्पेंसरी है, अगर किसी तबियत खराब आती है तो डिस्पेंसरी में उसकी हेल्प हो सकती है। साथ में यहाँ पर पुलिस से किसी को मदद चाहिए तो पुलिस चौकी भी है गोविंद घाट वाली इधर पे। तो यहाँ पर कुछ जैसा दिखाया है, जैसे भराल है, ये हिमालयन स्वीप होता है, बहुत सारे वैली ऑफ फ्लावर के फूल इसमें हैं। बाकी तो आप वैली ऑफ फ्लावर वाला वीडियो देख लेना तो आपके समझ में आएगा क्या क्या फूल है। लिखा हुआ इको डेवलपमेंट, थैंक फॉर योर विजिट। और पुलना 10 किलोमीटर है, जो गाँव है जहाँ से हमको मिलेगी गाड़ी चलने के लिए। तो खच्चर में भी लोग आते हैं, डोली में भी लोग आते हैं। बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पहुँचने के, और कुछ तरीके नीचे जाके बताता हूँ। साथ साथ ये कैंप साइड भी है। वो लोग जो नीचे खड़े हुए हैं रास्ते पे देख रहे हैं, वो लोग इंतजार कर रहे हैं हेलीकॉप्टर के आने का। अगर ये इन्वायरमेंट कंडीशन सही नहीं तो हेलीकॉप्टर बारिश में चलेगा नहीं, तो बेचारे को फिर पैदल आना पड़ेगा। तो हेलीकॉप्टर का किराया 3200 रुपये है 1 साइड का, वो भी ऊपर आने का। यहाँ तक आपको छोड़ देगा घगरिया तक, फिर इसके बाद जो भी है यात्रा, खच्चर, पालकी और 11 नंबर की गाड़ी, मतलब आपके पाँव, उससे हो पाएगी। तो ये कैंप साइड में अगर रुकने का शौक है तो इसमें सुख से रह सकते हो, लेकिन थोड़ा इसमें वॉशरूम का दिक्कत रहता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बाकी आपकी मर्जी है। इसी के साथ बारिश और तेज़ होते हुए, हमारी परीक्षा लेते हुए बारिश बहुत तेज़ हो रही है। बारिश बड़ी हालत ख़राब है भाई, इस बारिश में चलना मुश्किल है। मैं तो छाता ओढ़ रखी है, रेनकोट पहना ही नहीं है। भाई लोगों ने रेनकोट पहना हुआ है, रेनकोट में का सपोकेशन आता है, ऐसे नहीं पहनता हूँ। तो ये है हमारे, नाम बताओ। सूरज भाई है, अजय, पंकज। ये पंकज भाई तो हमारे जानते हो तुम उसको, मेरा फोटोग्राफर है अजीत बाबू। तो आंटी देखिए, कल हमको मिली थी, आज हेमकुंड साहिब से आ गई हैं। ये हमारे पाजी हैं, पाजी भी आ गए, कल भी मिले हमको, मिले थे। और वो अपनी मम्मी को भी लेके आए हैं, मम्मी को भी लेके आए हैं ना। हाँ जी, मम्मी को, मासी को, मासी को, मामी को, मामी को, तीन चीज़ों लेके आए हैं। बहुत अच्छा लगा कल। हाँ, अभी बारिश में ये भी उतर रहे हैं नीचे। हाँ ठीक है, ठीक है। जब आप कोई ट्रैक करके आते हैं ना तो आप चाहते हैं कि लोग आपसे पूछें, लेकिन यहाँ कोई पूछ ही नहीं। अभी देखना कि पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, कितने किलोमीटर। मेरे अंदर इतनी उत्सुकता है बताने की मैं ये ट्रैक करके आ गया, लेकिन कोई भी पूछ नहीं रहा है। अभी देखते हैं ये पूछेंगे नहीं पूछेंगे। ठीक है, नहीं पूछने वाले हैं लग रहा है सबके लोग। बारिश बहुत तेज है इसलिए। तीन किलोमीटर है। 2 घंटे से ऊपर लगेगा? नहीं नहीं 1 घंटा लगेगा। तो ये देखो, आगे वाला नहीं पूछा, पीछे वाला ने पूछा, और इस बात की खुशी है कि उन्होंने पूछा। ये है उत्सुकता अंदर की।
भाई साहब ये सिचुएशन है कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और कल जब हम आए थे परसों, मतलब जब हम आए थे परसों, तो इस नदी का वेग ऐसा नहीं था। आज नदी का वेग कुछ ज़्यादा हो गया है। और यहाँ पर भी देखो आप, ये झरना परसों तक आ नहीं आता और आज ये झरना भी आ रहा है, इतनी बारिश हो रही है। वैसे तो ये रास्ता बड़ा सेफ है, वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड टाइप का, फिर भी अगर क्योंकि तो रोड साइड में थोड़ा दिक्कत है, अभी जब तक चेतावनी है तब तक ना आए, जब चेतावनी हट जाती है तो आ जाएँ, आराम से एक्सप्लोर कीजिए। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कैसा लगा तुमको अजीत बाबू? इनको बहुत बढ़िया लगा। जब हम आए थे ना तो हम नीचे वाले पुल से आए थे, तो अभी हम लेकिन जा रहे हैं यहाँ से ऊपर वाले पुल से। ये ऊपर वाला पुल है जो नया बना हुआ है, तो थोड़ा इसके भी मज़े ले लेते हैं। ऊपर वाले पुल के नीचे वाले पुल में क्या, नदी बिल्कुल पुल के पास से गुजर रही है तो खतरा है। तो यहाँ से जाएंगे और एक हाइपरलैप देखते हैं इस पुल का कितना प्यारा है। पुराने ब्लॉग में मैं आपको लेके आया था भुंडियार गांव के रास्ते, नीचे वाले रास्ते पुराने पुल से। अभी ये ऊपर वाला जो रास्ता नया बना हुआ है नए वाले पुल से, तो ये है वो नया रास्ता। इसमें बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, देखोगे आप। जैसे यहाँ नींबू पानी भी मिल रहा है 16 सिकंजी के साथ, तो बॉडी को एनर्जी चाहिए तो 16 सिकंजी पीनी पड़ेगी। था तो इस वजह से यहाँ पर हमने पी एक कॉफ़ी, भुंडियार गांव है। मैं पूरा भुंडियार गांव क्रॉस करने के बाद आज दुकान में पी, तो कैसा फील हो रहा है कॉफ़ी पीने के बाद? उन लोग को A1 लग रहा है, एनर्जी आई बॉडी में कुछ, तो कॉफ़ी पी के एनर्जी आ गई है। और टाइम हो गया 4:27, तो यानी कि हमारा टारगेट है शाम के 5:30 बजे तक हमको पुलना गाँव पहुँचना है। अब तो लगातार चलेंगे पूरे रास्ते भर। रास्ते भर बारिश हो रही है, पूरे रास्ते भर कहीं अभी तक बारिश होने का नाम ही नहीं लिया है। नीचे देखो नदी पूरी उफान पे चल रही है, और रास्ता नीचे आते तो डाउन रहता, तो उसमें पाँव पर जहाँ जोर पड़ता है तो पाँव के तले में दर्द होना स्टार्ट हो गया। ऊपर जूता गीला भी हो गया था बारिश की वजह से, तो अब पेन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है पाँव का। तो ये कंडीशन है, मतलब ऐसा होता है, दर्द सबको होता है, कोई भी होता है, कितना भी चलने वाला क्यों ना हो। तो फिलहाल 5 बज गए हैं और अभी तक हम लोगों ने 6 किलोमीटर की दूरी तय की हुई है, तो अगले 4 किलोमीटर हमको 1 आवर पूरा करना पड़ेगा, तब जाके हम 200 मिनट पहुँच पाएंगे आज, वरना फिर हमको गोविंद घाट भी रुकना पड़ेगा। और बारिश मतलब इतनी खतरनाक है ना, मे भी कहीं लैंडस्लाइड वगैरह ना हो, इस चीज़ का डर बहुत ज़्यादा डर है। ये लाइन जा रही है जियो फाइबर और जियो और एयरटेल दोनों की लाइन है, तो आपको ऊपर एयरटेल और जियो दोनों के सिग्नल मिलने वाले हैं, लेकिन इस रास्ते पर आपको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। देखिए इतनी बारिश हो रही है फिर भी मतलब यहाँ पर हेलीकॉप्टर की सेवा चल ही रही है पूरी अभी भी। ये पता नहीं आवाज़ पानी की है हेलीकॉप्टर की, लेकिन मैंने अभी तक देखा हेलीकॉप्टर आ जा रहा है पूरी बारिश में भी। ना यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है कोई भी, वो सामने एक वाटरफॉल है वो ज़बरदस्त बह रहा है वाटरफॉल। ये पूरा हेलीकॉप्टर इतनी बारिश में, विजिबिलिटी भी जबकि थोड़ी बहुत कम है, लेकिन हेलीकॉप्टर चल रहा है ऊपर को से, क्योंकि ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो हेलीपैड पर इंतज़ार कर रहे हैं मॉर्निंग से। सुबह हेलीकॉप्टर बहुत तेज़ बारिश होती है, सबका हेलीकॉप्टर नहीं चल रहा था, अब चलना स्टार्ट हुआ है, तो अभी वो ऊपर से सारे के सारे लोग को लेके आ रहा है। अरे साला क्योंकि ये हालत ख़राब, पुल ना आने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब एक जगह पर लिखा था गोविंद घाट 5 किलोमीटर, तो हमने सोचा कि 1 किलोमीटर पुल ना होगा तो हम लोग पहुँचेंगे, लेकिन थोड़ा उससे 1.5 किलोमीटर आगे चलने के बाद हमको ये एहसास हुआ
एक नया बोर्ड मिला, मतलब एहसास क्या हुआ, नया बोर्ड मिला जिसमें लिखा था पुलना 1 किलोमीटर। अभी उसके बाद से हम फिर 1.5 किलोमीटर चल गए पहले और अभी भी पुलना नहीं आया हुआ है। ऐसा कुछ रास्ता है यहाँ से नीचे को आते वक्त पाँव बुरे फिसल रहे हैं, पाँव के तलों में दर्द होगी। अभी देखो पुलना नहाने कब आएगा। आया देखो वो सामने दिखाई दे रहा है आपको गांव, वो है पुलना गांव। अभी भी मतलब 1 किलोमीटर चलना ही चलना पड़ेगा वहाँ जाने तक, यह स्थिति अभी भी। अब जाके पहुँचे हैं पुलना गांव में, गाड़ी में बैठ गए। अब गाड़ी में 5 सवारी हुई है, 10 सवारी जब होंगी पूरी तब भाई चलेगा। हाँ जगह बैठो 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 बैठो। हाँ हाँ तो ये लोग भी आ गए हैं तो अब जल्दी जल्दी हम लोग निकल जाएंगे आराम से। ये भी तो 500 रुपये देने के बाद हम लोग नहीं, वहाँ से 50 रुपये किराया देने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं गोविंद घाट। ये वो पुल था जिसे क्रॉस करके हम लोग गए थे पुलना गांव गाड़ी में। एक आदमी का 50 रुपये किराया है, वो सामने ऊपर वो पुल है। अब हमको जाना है अपने होटल तक ऊपर जहाँ पर गाड़ी खड़ी है हमारी, तो वहाँ निकलते हैं। बारिश भी अभी भी देखो रुकने का कोई नाम ही नहीं ले रही बारिश। तो ये है गोविंद घाट का गुरुद्वारा जहाँ से लंगर की भी खुशबू आ रही है। अगर लंगर चखना चाहते हो तो लंगर चख सकते हैं। आज वहाँ कढ़ी चावल बनाया ऐसा लग रहा है। तो अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, हमने पहले दर्शन कर लिए थे पहले जिस दिन आए थे, तो ये लंगर भी चख लिया था। तो एक बार चखो इतना काफ़ी रहता है। चखना चाहते हो माँ लक्ष्मी का उफान तो ये देख सकते हो। अभी उससे पुष्पवती नदी मिली नहीं है, देखो वो वहाँ पे वो जाके मिलेगी तो वहाँ से रूप और विचार हो जाएगा। इतना पानी है बारिश की वजह से, इतना पानी बढ़ गया है। तो रूम पे आने के बाद बिल्कुल फ्रेश हुए, नहाया, पूजा वगैरह करी। मकसद था हमारा 2 मिनट जाने का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आगे लैंडस्लाइड हुई है 5 किलोमीटर आगे। तो आज सब लोग को यहीं गोविंद घाट पर रोक दिया गया है, ना ऊपर बद्रीनाथ जाने दे रहे हैं ना जोशीमठ की ओर जाने दे रहे हैं किसी को भी। पुलिस वालों ने चारों ओर बैरिकेड लगा दिए। तो हम लोग फिर रुक गए वापस जिस होटल में पहले रुके थे, होटल बद्रीस में, उसी में हमने रूम लिया हुआ है ये वाला। तो दोनों भाई अब यहीं आज रात काटेंगे और फिर कल को चलेंगे यहाँ से गोविंद घाट से अपने घर की ओर को। अब देखें कल सुबह का मौसम क्या होता है, बारिश अभी भी रुक नहीं रही है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है हद से ज़्यादा। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग कमेंट करके जो बताइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय।